हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गाइज, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ हमारा डेली का रूटीन, कैसे मैं कितना बजे उठता हूँ, कितना बजे खाना खाता हूँ, कब क्या करता हूँ। आप सभी को इस ब्लॉग में सारा चीज़ सुनने और देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो अभी टाइम हो चुका है गाइज 11:41, तो आपको बता दें सुबह के 8:30-9 बजे करीब उठना हमारा काम है। हमारी वाइफ का भी वही काम है, सुबह के 8:30 बजे उठना या 9 बजे उठना। उसके बाद खाना डायरेक्ट सुबह में उठकर झाड़ू लगे या ना लगे, घर में पहले खाना बनना ज़रूरी है। यही है हमारी वाइफ का काम, पहले इनसे सुन लीजिए। और बाहर का मौसम बड़ा ही मस्त हो रखा है और बारिश का भी मौसम है। तो गाय 9 बजे नहीं उठते, तो कितना बजे उठती है? 7:30-8 में। आज उठे थे 7:45। कितना झूठ बोलती है? झूठ कहाँ बोल रहे, सही तो बोल रहे। टाइम देखे थे, हम उठे थे, टाइम देखी थी, इसीलिए अभी 12 बजने वाला है और अब खाना निकल रहा है। काम खत्म किए कि नहीं, झाड़ू पोछा कपड़ा? गाइस आप सब कमेंट करके बताइए खाना कितना बजे खाते हैं। हमारा काम है सुबह के 8:30-9 बजे, जो मैं रियल बता रहा हूँ। अभी ये भले ही कुछ बोल दे लेकिन सच्चाई है कि 8:30-9 बजे करीब उठना। सबसे पहले उठते के साथ अपना थोड़ा बहुत फ्रेश होना, लेटरिन बाथरूम जाना, उसके बाद डायरेक्ट खाना बनाने भिड़ जाना। खाना जब बन जाएगा तो झाड़ू पोछा लगता है, उसके बाद ये सारा चीज़ करते करते बन जाता है 10:30। फिर होता है जो नहा धोकर जो कपड़ा वगैरह रहता है, इसका काम रहता है कि उसको पहले साफ़ करना। करते करते बज जाता है 11:30। 11:30 बजने के बाद हमारा ब्लॉगिंग स्टार्ट होता है, जो कि जैसा अभी हो रहा है और अभी आप सब देख रहे हैं। तो ये सारा कहानी होता है, 11:30 बजे तक में सारा कहानी तो आप सब जान ही गए। अब 11:30 बजे के बाद ये 12 बजे अब खाना खाएंगे, जो कि बड़ा ही मस्त काम करती है हमारी वाइफ उठकर। अब सही बोलिए, कल से जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। तो यही सारा कारण है गाइस कि हमारा 12 बजे से ब्लॉगिंग स्टार्ट ही होता है और आपको आज सारा दिन का बताते हैं कब क्या चीज़ करते हैं। हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। तब तक फटाफट से खाना पीना खाते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे हम सब क्या करने वाले हैं। तो आज का रूटीन स्टार्ट होता है खाना पीना से, फिर से 11:44। चलिए खाना को करते हैं स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, खाना पीना हो गया है, अब से होगा एक ही काम, या तो आराम या तो टीवी। दोस्तों शाम का 5 बजने वाला है, सारा दिन आज टीवी बैठ कर देखी है और कोई काम तो की नहीं है। तो देख सकते हैं गाइस टाइम, तो आज सारा दिन यही हुआ है, आज हमारा यही रूटीन है। इतना चीज़ अभी आया है फिर घर से फ़ोन, एक बार कल आया था भैया फ़ोन किया था, अभी मम्मी फ़ोन की है, जो कि कही है कि पापा का पैसा छूट गया है घर पे और गए हैं दुकान का सामान लाने के लिए मार्केट में, तो पैसा जाकर पहुंचाना है। तो अभी फिर जा रहे हैं घर, घर से लेंगे पैसा, फिर जाके मार्केट में जाकर पहुँचाएँगे, उनको पैसा देंगे तो वो सामान वगैरह कुछ खरीदेंगे, फिर सामान आएगा दुकान का। आप सब तो देख ही लिए होंगे पिछला ब्लॉग में, हमारा किराना दुकान है, अच्छा खासा घर है, फिर भी रूम रेंट में है। ज़िंदगी हमारा ऐसे कट रहा है, दिन भर खाना खाते हैं और टीवी देखते हैं, सोए पड़े रहते हैं, कोई काम धाम तो है नहीं लगभग 8-10 महीना से। चलिए खाली हेल्प कीजिए, ज़िंदगी में हेल्प मिले या ना मिले, तो चलते हैं। जय शिव शंकर। दोस्तों पहुंच गए हैं अपना घर, ये रहा दुकान, तो पैसा ले चुके हैं, अब चले पापा को देने। दोस्तों सामने का व्यूज क्या है, ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। अभी जा रहे हैं मार्केट पापा के पास। जय बजरंग बली। पापा को पैसा दे चुके हैं। फाइनली गाइस आ चुके हैं घर, जस्ट अभी गाड़ी लगा चुके हैं,
और यहाँ पर शाम के टाइम में झाड़ू लग रहा है। यही था हमारा काम सारा दिन का, किसी ना किसी का कॉल आना और उसका हेल्प करना। आज तो पापा का ही हेल्प किए थे, और भी दोस्त यार है और भी बहुत सारा आदमी है जिनका हेल्प दिन भर करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही हमारा जिंदगी अभी चल रहा है। अभी और भी चीज़ दिखलाएंगे, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। अब चले छत पर, चलिए तो छत पर चलते हैं और ऊपर का नज़ारा आपको दिखलाते हैं। दोस्तों फाइनली आ चुके हैं छत पर, और यहाँ का तो मौसम मस्त रहता है अपना छत का। तो ये देखिए सामने का व्यू। चलिए थोड़ी देर तक यहाँ पर बैठते हैं, उसके बाद एडिटिंग वगैरह जो भी होगा करेंगे, फिर नीचे चलेंगे, देखते हैं क्या नाश्ता बनाएगी। और ये देखिए मैगी बनकर हो गया है तैयार, तो अभी मैगी खाएंगे शाम का 6:05 पर। और अभी तक चल रहा है टीवी, जो कि देखी जा रही है। सारा दिन कोई काम नहीं, टीवी देख रहे। चलिए दोस्तों मैगी खाना स्टार्ट करते हैं। एक हाथ में रिमोट और मुंह में मैगी, सामने टीवी, मेरे भी हाथ में मैगी। दोस्तों अपना नाश्ता भी हो गया है, सारा दिन में शाम के टाइम में बस नाश्ता मिला है जो ये अभी बना के लाई है। यही है हम दोनों का भी सारा दिन का कहानी। अभी और भी है, रुकिए जरा गाइज। अभी भी टीवी चल रहा है, रात का 8:56, और अभी गई है खाना बनाने के लिए, खाना बना के लाई है। तो ये देखिए, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये मेरा रूटीन है कि उसका रूटीन है। चलिए खाना पीना खाते हैं, अभी वो पूरा बना लेगी तो साथ में खाएगी कि अकेले खाएगी उसके ऊपर निर्भर है। दोस्तों अपना भी खाना आ गया, इसका भी देखिए, जब तक ये थोड़ा ठंडा खाना नहीं खाएगी तब तक इसका पेट नहीं बढ़ता है। तो गाइज ये था हमारा रूटीन सुबह से लेके रात के 10 तक, जो कि अभी भी टीवी चल रहा है। सारा दिन हम दोनों का ऐसे ही पार हो जाता है। आई होप सो आपको हमारा ये सारा रूटीन पसंद आया होगा। अब ये कल उठेगी सीधे 8:00 आपको दिखलाएंगे, 6:00 देखते हैं कल कितना बजे उठती है। 10:00 अभी 10 रहा है, अब चले सोने के लिए, और 10:30-11 तक सोएंगे। उसके बाद सुबह में जो टाइम है हम सबका रूटीन वाला, उसी टाइम में उठेंगे। और आज जैसे सारा दिन हमारा गुजरा है वैसे ही डेली गुजरता है, बीच बीच में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये देखिए नींद भी आने लगा। चलिए जल्दी से इस ब्लॉग को करते एंड, कल का ब्लॉग देखना नहीं भूलिएगा, तो आप सबको कल का दिन पता ही चल जाएगा। वैसे तो आज बोल रहे हैं, हो सकता है कल ये जल्दी उठ जाए, फिर एक दिन के बाद वही रूटीन रहेगा जो आज जैसे देखते हैं। तो आई होप सो आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा तो एक लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना है, कल का ब्लॉग देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।